नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर में तो चला किचन के अंदर, और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया। देखते रहिए आई इंडिया। अपनी एक्टिंग से पूरी दुनिया को हंसाने वाले मिस्टर इंडिया के कैलेंडर और हम किसी से कम नहीं फिल्म में पप्पू पेजर का अमर किरदार निभाने वाले एक्टर डायरेक्टर सतीश साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। यह दुखद खबर अभिनेता अनुपम खेर ने अपने ट्विटर अकाउंट से दी। उन्होंने लिखा, जानता हूं कि मृत्यु इस दुनिया का अंतिम सच है, पर यह बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा या सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर अचानक पूर्ण विराम। गुरुवार की सुबह गुरुग्राम में दिल का दौरा पड़ने से 66 बरस के सतीश कौशिक ने दुनिया को अलविदा कहकर बॉलीवुड को हंसी से बदरंग कर दिया। एक रोज पहले ही सतीश साहब ने अबीर गुलाल से सराबोर होकर जावेद अख्तर, अली फजल, ऋचा चड्ढा, महिमा चौधरी के साथ होली की तस्वीरें शेयर की थी। कौन जानता था ये सतीश कौशिक साहब की आखिरी होली होगी। सतीश साहब अब हमारे बीच नहीं है, इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा है। बात अगर सतीश कौशिक की करें तो सीतापुर का जिक्र जरूर होगा, और हो भी क्यों ना, सतीश साहब के दिल में सीतापुर की खास जगह थी। यह बात हम नहीं, वो खुद कहते थे। सबसे पहले तो को तब हुआ जब वो एक फिल्म की शूटिंग के लिए गांव की लोकेशन तलाश रहे थे। फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी के साथ सीतापुर आए और आई इंडिया एडिटर इन चीफ पंकज सिंगौर के घर हेमपुर भी पहुंचे और गांव की लोकेशन देखी, पर कुछ खास पसंद नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने बाराबंकी, बरेली समेत कई जनपदों में लोकेशन की तलाश की। इसी दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर सतीश साहब से सीतापुर बिस्वा कंदुनी के शरद चौधरी की मुलाकात हुई। उन्होंने सतीश कौशिक को उनकी मनमाफिक लोकेशन दिखाई और यही वो समय था जब सतीश कौशिक साहब के दिल में सीतापुर बस गया। उन्होंने पंकज त्रिपाठी के साथ कागज मूवी शूट की जो कि बेहद कामयाब रही। कागज मूवी की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सतीश कौशिक साहब ने कागज 2 भी बनाई, जिसमें अनुपम खेर, नीना गुप्ता जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं। कागज 2 इसी साल मई अप्रैल के महीने में रिलीज होनी है, लेकिन अफसोस कागज 2 रिलीज होने से पहले ही कागज को कामयाब बनाने वाले शख्स ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सतीश साहब शरद चौधरी को अपना भाई और सीतापुर कंदुनी को अपना घर मानते थे। अपनी अगली फिल्म के लिए नैमिष की लोकेशन देखने कुछ रोज पहले ही सीतापुर आए थे। यूं तो सतीश साहब जब भी लखनऊ आते थे, शरद चौधरी उन्हें सीतापुर ले ही आते थे। शायद यही कारण था कि सतीश साहब एक दो बार नहीं बल्कि कई बार सीतापुर आए और आई इंडिया से भी मुखातिब हुए,
जो कि उनके सरल व्यक्तित्व की पहचान थी। आई इंडिया एडिटर इन चीफ पंकज सिंगोर को दिए अपने आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने सीएम योगी पर फिल्म बनाने कंदनी में बने जय जावेद स्टेडियम के उद्घाटन के मौके पर पत्रकार बनाम सतीश कौशिक 11 का दोस्ताना क्रिकेट मैच भी खेला गया था, जिसमें सतीश साहब ने खुद क्रिकेट कमेंट्री की थी और दर्शकों के मनोरंजन के लिए अपने हिट डायलॉग भी बोले थे। अपनी उमदा अदाकारी के लिए मशहूर सतीश कौशिक के निधन से समूचा बॉलीवुड गमजदा है। गृह मंत्री अमित शाह, कंगना रनौत, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सुनील शेट्टी, जॉनी लीवर, क्रिकेटर युवराज सिंह, अरमान मलिक, रितेश देशमुख समेत सभी प्रमुख हस्तियों ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सतीश साहब, आप हमेशा यादों के जरिए हमारे दिल में जिंदा रहेंगे। आई इंडिया पूरे सीतापुर की ओर से आपको याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि देता है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए नीतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।